दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन को एक महीना हो गया है। सरकार कृषि कानूनों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है तो किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में हर रोज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। आंदोलनकारी किसानों को फिट रखने में कोई कमी ना आए, इसके लिए पंजाब की एक निजी संस्था ने खाने पीने के साथ साथ ओपन जिम लगवाया है, जिसमें आंदोलनकारी किसान वर्कआउट कर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। सभी के लिए, नौजवान भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, मीडियम वर्ग के जो अपना मीडियम क्लास के हैं उम्र के, वो भी आते हैं, क्योंकि हमें लोगों को काम करने की आदत है और जब हम सारे दिन फ्री रहते हैं जैसे बैठते हैं तो वो अपना जिम करके शरीर को फिट रखते हैं। इस ओपन जिम में आंदोलनकारी महिला और पुरुष किसान पहुंचते हैं, कसरत करते हैं। खेतों में काम करने वाले इन किसानों का कहना है कि उन्हें काम करने की आदत है और इस जिम में आकर कसरत करने से उन्हें काफी अच्छा लगता है, साथ ही स्वस्थ रहने में भी उनकी मदद होती है। किसान जो है ना वो फिजिकल बहुत मजबूत होता है, तो किसान का नाम ही मेहनत का, हार्ड वर्कर का नाम ही किसान होता है। पर यहाँ एक महीना हमें हो गए आइडल खाली बैठे हुए, खाने पीने की व्यवस्था है सब घर से लेके आए हैं अपना, पर शरीर उनका भी खराब हो जाएगा, इसलिए कि ये मन में आइडिया आया कि उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, तो जिम हमने अपने दोस्तों से राय की और यहाँ जिम का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों के हौसले बुलंद हैं और वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार के साथ किसानों की कोई बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ये धरना और कितने दिनों तक जारी रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर बना ये ओपन जिम किसानों को स्वस्थ रहने में काफी मददगार साबित हो रहा है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।